से कर घास। ओ भाई साहब, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल श्यामल मोटो ब्लॉग। और अभी जो हम सुबह सुबह ब्लॉग बनाने के लिए आ गए, अभी जो डिपन ब्रो आ रहा है और इसका थोड़ा इंतजार करते हैं पे। A few moments later. और इधर जो है आ रहा है भाई और ये रहा पहुंच गया। ओए ओ भाई, और या गुड मॉर्निंग ब्रो। मॉर्निंग मॉर्निंग एकदम पास हो गए लाए से। तो भाई देख लिया आप लोग ने क्या ही खतरनाक ये करता है। बाकी यार चलते इधर से कि थोड़ा सा आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के सामने थोड़ा जाके ऐसे टाइम पास करेगा क्या। तो गाइस ये रहा सिंगाजान घाट, और यहाँ पे जो है बस कुछ ही दुकान बसा है। पहले जो है यहाँ से पूरा डिब्रूगढ़ तक फेरी अप डाउन करता था, अभी जो है जब से बोगवेल ब्रिज बना है तब से मतलब यहाँ पे फेरी का आना जाना बहुत कम हो गया है। ओ भाई इसको देखो, ये बंदा अलग ही लेवल का है। अभी ये फिर से करने वाला है। जो कल ये चेंज करके आया था, बाकी इधर एलोवेल देख सकते हो क्या ही गंदा होकर रखा है। बाकी इसको ढुलाना एक बार, आगे का तो ठीक ही है, वो चल जाएगा 4-5 महीने, तो बाकी देखते हैं कितना चलता है। तो इधर जो है दीपन ब्रो, वो मतलब कल घर आया हुआ था, तो उसको भी कॉल करके इधर बुला लिया था, मतलब इधर है तो आजा भाई बोल के। और इधर जो है दीपन ब्रो का ब्लैकी, इसका पूरा एक्सपीरियंस हाई लेवल का हो गया। बाकी तो दीपन ब्रो का बाइक देख लो एक बार, ब्लैकी ब्लैकी नाम रखा हुआ है, ये सब पूरा स्टैंड के लिए ये करके रखा है, बाकी गिरने से भी कुछ ना हो, इसलिए तभी वो मतलब इतना अच्छे से स्टैंड परफॉर्म कर पाता है। इधर भी लगा के रखा है। तो ये जो है FZ 2.0 है 2016 मॉडल का। अभी जो है ये दोनों का एक सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, बाकी यार सिनेमेटिक शॉट का एंजॉय करो। तो गाइस ये जो है नया फेरी बन रहा है, बाकी ये ऑलमोस्ट 50% जैसा हो गया। और ये रहा ब्रह्मपुत्र रिवर, बाकी यहाँ से उस तरफ डिब्रूगढ़ है, लगभग 13-14 ऐसा कुछ किलोमीटर होगा। और यहाँ से जो है बोगीविल ब्रिज भी कभी कभी देखता है, जो कि बोगीविल ब्रिज उस तरफ पलटा है, वो कभी कभी दिखता है कभी कभी नहीं दिखता है, क्योंकि ये हवा की वजह से या क्या है, लेकिन बस कभी कभी दिखता है। ओ भाई देख रहे हो भाई, कहीं पे भी उठा रहता है वो। ओ ये ये करने वाला है। अरे रे 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 रे। ओ भाई सही है भाई। अभी से हम लोग कुछ अच्छा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्टैंड कर सके और लोगों का भी गाली ना सुनना पड़े, नहीं तो भाई लोगों का डांट सुनना पड़ेगा।
क्या ही खतरनाक लीड मारते हुए आ रहा है भाई। तो गाइस ये रहा ये प्लेस जहाँ पे हम लोग स्टैंड करने वाला है। बाकी यहाँ पे एक ही घर है ये से कर गाइस। ओ भाई थोड़ा सा अकेले भाई लगने वाला था भाई। एकदम बाइक पूरा खराब हो गया। तो गाइस अभी जो हम लोग बढ़िया सा एक लोकेशन में आ गया है जहाँ पे लोग नहीं है और यहाँ पे डिपन ब्रो थोड़ा सा पम्प कम कर रहा है क्योंकि सभी करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी बस सही से करे। फर्स्ट टाइम मारेगा आरएस में आज वो बोल रहे कि आज फर्स्ट टाइम मारेगा आरएस में। तो भाई मेरे को भी तरह से ये लग रहा है। बाकी यार होप फॉर द बेस्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये रहा स्टैचू। हाउ आर ये डर रहा है क्योंकि आरएस में फर्स्ट टाइम कर रहा है ना। बाकी भाई चेक करो भाई आएगा 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 रिट्राई। आरएस में व्हीली में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार। आरएस का पिकअप कम है और वेट ज़्यादा है इसलिए मतलब व्हीली करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओ भाई सही है सही है। ओ भाई तो अभी जो हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएगा। ये फ्लैट नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ज़्यादा है। ओ भाई अभी जो वो बोल रहा है कि लॉन्ग स्टॉपी करके जाने वाला है देखते हैं। ओ भाई सही है सही है सही है सही है भाई प्रो राइडर। तो भाई इसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि मतलब और भी अच्छा से कर सकते हैं लेकिन अभी ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है तो अभी फिर से जा रहा है करने के लिए। तो भाई स्टंट मारना हो गया अभी चलते हैं वीडियो अपलोड करना। कल का वीडियो एक स्टॉक में पड़ा हुआ है उसको जाके अपलोड करना है। हम जब घर में आता है तो वीडियो अपलोड करने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक डेढ़ किलोमीटर थोड़ा सा आगे आके अपलोड करना पड़ता है क्योंकि मेरा घर में बिल्कुल ही नेट नहीं मिलता है। सो ऑल राइट गाइस ब्लॉग अपलोड हो गया अभी निकलते हैं इधर से। चलो इधर चलते हैं।
तो गाइस अभी से चलते हैं घर। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट करो, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं, तब तक मस्त खाते पीते रहो, बाय बाय गाइस।